नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह, मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे डिटरमिनेंट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्सेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट है। इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा डिटरमिनेंट के रूप में। अब देखें कि जो हमारी फर्स्ट वर्टेक्स है x1 y1, इसमें 1 करिए, ये फर्स्ट रो बना देते हैं। फिर यहाँ 1 लेंगे और ये हमारा सेकेंड रो हो जाएगा। फिर इसको हम r3 लेंगे और यहाँ कामा कर देंगे 1, और ये हो जाएगा थर्ड रो। तो इस तरह से रख लेंगे और जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमको यही चीज मिल जाएगी। तो ये हमारा होगा एरिया ट्रायंगल, इसी पर बेस्ड होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, द एरिया ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज जी। अगर आपको कोलिनियर कहना कहता है कि अगर कोई पॉइंट है प्रूव करना है, तो आपको दिखलाना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो, 0 हो। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, और जब एक ही लाइन में 3 पॉइंट है तो उनके द्वारा ट्रायंगल तो मेक होगा नहीं। तो इनके द्वारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 होगा। एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं कि सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यानी डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू निगेटिव ही आ रही है तो हमको, चूंकि एरिया हमारी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे हमारे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी पर बेस्ड होगा, इसी पर हमारा ये 4.3 एक्सरसाइज का सोल्यूशन होगा। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे फर्स्ट है 1,0, 6,0, 4,3। तो इसी सेकंड है 2,7, 1,1, 10,8, और थर्ड है हमारा -2, -3, 3,2, -1, -8। अब इसको हमको फाइंड करना है सोल्यूशन में। तो फर्स्ट पहले को हम सोल्यूशन में 1/2, 1,0, 1, 6,0, 1 और 4,3, 1, ये इसमें 1 रख के 1 रखते जाइए और फिर फर्स्ट और सेकंड इस तरह से रो बनाते चले गए। अब इसका एक्सपेंशन कर देना है, तो एक्सपेंशन हम इधर से लेकर कर लेंगे, तो 1 हमारा हुआ और फिर ये लीडिंग विकर्ण हुआ और इसका, तो 0 ये आ जाएगा और -3, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया। फिर इसको हम लेंगे तो 0 होगा, तो 6,1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और देन हमको 4 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6-4। सिमिलरली हमारा 1 है तो 1 लेंगे तो 6 में 3 को मल्टीप्लाई, फिर 4 का 0 में, तो 6 में 1 हो रहा है आपका, यहाँ देख लेते हैं, 6 में 3 तो 18 होगा, -0 तो ये 18 हो 18। तो अब यहाँ पे देखें -3 और ये हमारा 0 हो गया, तो इतना हो गया। अब यहाँ से 15 मिलेगा हमको, तो 15/2। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया की यूनिट जो होती है स्क्वायर यूनिट होती है, तो स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, तो सेकंड पार्ट है हमारा इतना, 1/2, 2/1, 7/1, 1/1, 10/8, 1। तो यहाँ से जब हम लेंगे तो फिर 2 को लेंगे तो ये इस 1/1 को मल्टीप्लाई करना है, -8/1, तो 1/1, 1 होगा, 8/1, 8 होगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा।
माइनस सेवन लेंगे तो फिर हमको वन में वन का और टेन में वन का माइनस है, तो वन माइनस टेन हो जाएगा। फिर वन का लेंगे तो वन में एट का और टेन में वन का, तो वन इंटू एट एट हुआ टेन माइनस टेन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस सेवन, यहाँ से माइनस नाइन, यहाँ से माइनस टू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा इतना 47/2। थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट इतना है। अब इसको ये 2,3 है और वर्टेक्स, और ये इतना है, वन वन लगा के रो वन बना लीजिए, रो टू बना लेंगे और रो थ्री बना लेंगे। फिर एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन इजी है तो एक्सपेंशन हम लोग कर लेते हैं। अब 2,1 में फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा एट, फिर जब माइनस थ्री लेंगे तो 3,1 में तो 3 होगा, और फिर -1,1 में तो 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब ये टर्म आएगा तो 3,1 में -8 में और इसका इतने, तो ये हो गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो इतना मिलेगा। अब ये आप ले लीजिए तो कितना आपको मिल रहा है, -30 और -30 एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा था कि एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो ये माइनस प्लस बाहर निकलेगा और 2 को डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिंग। कोलिंग मतलब इसका जो हमारी ट्रायंगल है उसकी एरिया को 0 शो कर देना है। तो हम पहले तो ले लेते हैं यहां से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इतना लिख दिया। अब इसका एक्सपेंशन हम कर देते हैं, तो एक्सपेंशन किए तो हमको इतना मिला। देखें कि पहली बार ये लेते हैं तो हमको इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें करना है, तो ये हो गया। जब इसको हम माइनस में लेंगे तो माइनस, फिर बी का हमको वन में करना है, सी का वन में कर माइनस करके, तो ये हमको इतना मिल गया। सिमिलरली जब इस वन को लेंगे तो इस बी का इस वन में और सी का माइनस करके सी इंटू वन करना है, तो ये हमको मिल जाएगा लास्ट वाला टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, ये वन है सॉरी, तो बी का इसमें करना है हमको, बी का ए प्लस बी में करना है और इसको हमको सी प्लस ए में करना है, तो इतना आपका मिल जाएगा। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो फिर हम उसी को रिपीट कर रहे हैं और देन सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमको इतना मिला। अब ये है और सी प्लस ए निकलेगा माइनस ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस तो माइनस बी, और यहाँ पे ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई ए बी और इससे बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आप सी का सी में करें सी स्क्वायर और यहाँ पे ये सी इतना हो। अब इसको हम फिर ए का इसमें और ये का इसमें, और ये से ये तो कट ही रहा है तो ये काट कर फिर ए से सी में और ये का हम बी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इतना मिला। और यहाँ से हमको बी का बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, और इतना मिला। अब यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ए सी से हमारा ए सी कैंसिल आउट हो रहा है, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है, यानी टोटल टर्म्स कैंसिल आउट हो 1/2 = 0। यानी जो हमारे पॉइंट थे वो क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि इनके द्वारा जो ट्रेंगल तो बनेगी नहीं, कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या मिल रहा है हमको, 0। तो ये हमारे कह देंगे कि पॉइंट हमारे कोलिनियर है। अब इस पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्सेस आर इतना। तो ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है के की, और यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्सेस दिया है इतना, तो यहाँ पे K,0 4,0 इतना। तो आप देखिए एरिया हो गया, ये तो दे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो ये तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट इतना रख दिए। अब इस 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम एक्सपेंशन तो के से करेंगे तो 0, 1 और फिर ये -2, तो पहला टर्म ये 0 वाला टर्म 0 होगा, फिर 1 को लेंगे तो 4 इंटू 2 होगा -0 होगा, तो 4 इंटू 2 8 -0।
अब ये हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, और इसको हम कर देंगे सिंप्लीफाई तो ये हमको मिलेगा इतना। तो ये 4 हुआ हमारा। अब यहाँ से हम लोग कर चुके थे तो 4, ये 2 यहाँ से छूट गया, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा। तो ये हमको 8 मिला और इतना हमको ये साल्व करना है। तो ये प्लस माइनस 8 हुआ, अब इसी को साल्व करना है तो साल्व कर लेते हैं इसको। अब पहले तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ तो -2 के आया, और ये जब 4 × 8 हुआ, और चूंकि ये क्या मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे एरिया को प्लस माइनस हम लेंगे, तो ये पॉजिटिव साइन टेक करते हैं, तो यहाँ से -2 के और +8 = 8, तो 8 से 8 कट गया, हमको के की वैल्यू आएगी 0। अब निगेटिव साइन लेते हैं तो ये -8 लेंगे तो हमको मिला -2k+8। अब इस 8 को इधर लाएं तो हमको मिलेगा 16k = इधर -2k = -16, तो k हमको मिल जाएगा 8, और इस 0 एक बार निकला, पॉजिटिव साइन टेक किए थे तो, और निगेटिव साइन टेक किए तो 8 मिला, तो हमको मिला 0.8। अब सेकंड ले लेते हैं, 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 k 1 = 4। अब फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका हम लोग एक्सपेंशन कर लेंगे इस R1 के थ्रू, तो हमको मिलेगा इतना। देखें 8 हो गया, अब एक्सपेंशन किए तो 2 -2 लेंगे तो 4 × 1 - k, ये हो गया। सेकेंड टर्म हमारा 0 आएगा, इसको लेंगे तो 0 × k और 0 × 4, तो ये हो गया, इतना हमको मिला। अब यहाँ से जो हमने मैग्नीट्यूड लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू लिए थे, तो ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस को हम चेंज करेंगे तो यहाँ +-8 आएगा, तो इसी को हम +-8 ले लेंगे। फिर एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे तो 2k - 8 = +8। अब ये 8 को लाएंगे तो 16, तो k = हमको मिल जाएगा 8। निगेटिव साइन टेक करेंगे तो 2k - 8, तो 8 इधर लाएंगे तो 8 8 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 0, यानी k की वैल्यू पुनः हमको मिलेगी 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट का। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट है। अब एक पॉइंट हम मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड करेंगे। तो लाइन है तो एरिया क्या आनी चाहिए, 0। एरिया हमारी 0 आ जाएगी, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3, 2, 2 क्वेश्चन है इसमें डिटरमिनेंट मेथड से। तो पहला हम लेते हैं सोल्यूशन, तो यहाँ पे हम मान लेंगे एक पॉइंट मान लेंगे x, y और 1, यानी एक लाइन है हमारे पास, और इस लाइन पर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसका गिवेन है 1, 2, और इसका गिवेन है 3, 6, और इसका कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 3, 6, और इसको हम सपोज कर लेते हैं x, y, यानी 3 पॉइंट है। अगर कोलिनियर है, लाइन पर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो ये 0 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और यहाँ से 2 को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल आउट, फिर इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो इतना हमको मिलेगा एक्सपेंशन किए तो। 2 को हटाते हैं मल्टीप्लाई करके, देन हमको मिलेगा ये मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6, तो 6 से 6 तो हमारा कैंसिल आउट हुआ। 3y और -y हमको मिलेगा 2y, और 2x से 6x घटाएंगे तो -4x, तो हमको इतना मिलेगा, यानी y = 2x हमारा लाइन का समीकरण होगा। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, तो सिमिलरली हम xy एक पॉइंट मान लेंगे, और इनके द्वारा जो एरिया होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेना है, देन हमको रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेंशन हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करके हम 0 कर देंगे तो देन हमको मिल जाएगा इतना। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 3y - है प्लस, तो 6y हो गया, और x में से -2x हो गया,
तो ये x माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। फाइव क्वेश्चन लेते हैं। यप एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्सेस इतना, देन के की वैल्यू कितनी होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इतना, अब के की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेते हैं, और ये हमको मिल ही चुका है स्क्वायर यूनिट में, 35 रखेंगे। अब इसका हम कर लेते हैं एक्सपेंशन, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो इसको 17 कर देते हैं। अब यहाँ 4 माइनस 4 जीरो आपको मिल गया, तो ये टर्म्स तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम देखते हैं कितना हुआ। तो ये हमको मिल चुका यहाँ से, और ये आपका हो गया ये। तो आप देखें कि 30 और ये 20, 50 हो गया, और माइनस और ये कितना 10 हो गया। तो ये हम लिख देंगे, अब यहाँ पे भी प्लस पॉजिटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लिए तो प्लस पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। देखिए 30 और प्लस 20, अब 50 हुआ इधर 17, तो इधर माइनस किए 17 माइनस 15 हमको मिला 20, और 10 को डिवाइड करेंगे तो -2, तो हमको ये मिल जाएगा -2। अब टेक निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन में -10 के +50 -70, इसको आप इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा, अब के इक्वल टू मिलेगा 12, यानी के की जो वैल्यू होगी -2 और 12 होगी। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।